एक डिस्क है, ठीक है ना। सपोज एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पहले तो एक डिस्क है, मास एम में रेडियस आर है, और क्या ये एक डिस्क, इसका मास क्या है एम, रेडियस क्या है इसका, और क्या दे रखी है एक डिस्क, एज इट इज दे रखी थी। इसका अगर हम एक इसमें से एक डिस्क काट के फेंक दें, हमने इसमें से एक डिस्क काट के फेंक दीजिए, ठीक है, आर बाय टू रेडियस की, कितने रेडियस की बोलो, आर बाय टू रेडियस की एक डिस्क काट के फेंक दी। अब ये बताना है इसके अंदर सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पूछ सकता है इसके अंदर, एक तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, इसका मास कितना हो जाएगा ये पूछ सकता है सेंटर। देखो सुनो, आप इस क्वेश्चन में दो बातें पूछ सकते हैं यहाँ पे, देखो एक तो ये डिस्क है, मास एम है, रेडियस आर था पहले पूरी डिस्क का, जब ये नहीं कटी थी, जब ये पूरी डिस्क लगी हुई थी यहाँ पे, तो मास कितना था एम, रेडियस कितना इसका आर, ठीक है, इसके अंदर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था पहले, तो यहाँ पर था। अब जब ये वाला पोर्शन काट के फेंक दिया, निकाला और फेंक दिया, तो इधर से मास कम हो गया, ये मास थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा, बताओ किधर शिफ्ट होगा, ये मास थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है, इधर शिफ्ट होगा मास थोड़ा सा, ये बताना है कि ये मास कितना शिफ्ट होगा, ये मास कितना शिफ्ट होगा ये बताना है आपको, कैसे करें इसको, सुन लो, पहले तो इसका मास कितना होगा, ये जो पोर्शन काट के फेंका है इसका मास कितना होगा ये देखना है, पूरे का एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, पूरे का एरिया कितना बताइए, इसका मास क्या पाई आर स्क्वायर एरिया का मास एम, पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कितना है यहाँ पे एम है, एक यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाय टू नहीं है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर एरिया इसका, एरिया कितना है इसका पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर है, हाफ डिस्क का होता है पाई आर स्क्वायर बाय टू, फुल डिस्क का कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया का मास है एम, तो यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा एम बाय पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया बताओ कितना है, इस वाले पोर्शन का जो काट के फेंका है इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर बाय टू का स्क्वायर, पाई इंटू आर बाय टू का स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये पाई आर स्क्वायर बाय फोर, पाई आर स्क्वायर बाय फोर, इतने एरिया का मास कितना हो जाएगा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय फोर, आंसर इज एम बाय फोर, इसका मास कितना होगा बताइए एम बाय फोर, इसका मास कितना है यहाँ पे एम बाय फोर, और इसका मास कितना है थ्री एम बाय फोर, इसका मास कितना बोलो, इसका मास कितना बोलो, माने कि नहीं माने, कोई डाउट है किसी के मन में, इसका मास थ्री एम बाई फोर है और इसका मास एम बाई फोर, एक तो ये पूछ सकता था कि आर बाई टू रेडियस के अगर डिस्क काट दी जाए तो उसका मास कितना होगा, इसका मास एम बाई फोर होगा, ये बात आपको समझ आ गई। अब दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा इसके अंदर, ठीक है ये निकालना है। एक बात बताओ, जब ये यहाँ पे डिस्क का मान लो ये है यहाँ पे एक, तो इसका अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, इसका अकेली का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा यहाँ पे कहीं, और ये जो पोर्शन बचा हुआ है ये वाला पोर्शन, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये वाला जो पोर्शन है बाकी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा बीच में, इस वाले पोर्शन का यहाँ पे, इस वाले पोर्शन का, ये देखो जो रेड से कर रहा हूँ ना मैं, एक अलग कलर से यूज़ करता हूँ, देखो ब्लू से यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये ब्लू वाला पोर्शन है, ब्लू वाले का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे कहीं होगा, और ये जो ब्लैक वाला है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, और दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, ये वाली लेंथ कितनी यहाँ पे आर बाई टू, ये डिस्टेंस कितनी यहाँ पे, ये एक्स मान लो, ये कितनी यहाँ पे एक्स, अच्छा इसका मास कितना बताइए एम बाई फोर, इसका मास कितना यहाँ पे एम बाई फोर, इसका मास कितना यहाँ पे, वो यहाँ पे है, ये कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के इधर का मास मोमेंट और इधर का मास मोमेंट सेम हो रहेगा, जो कुछ भी हो जाए, दो चीज़ें हों अगर, तो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है कंबाइंड वाला, उसके इधर का मास मोमेंट और इधर का मास मोमेंट सेम होता है, तो देखो इसके इधर का जो मास मोमेंट हो जाएगा वो तो हो जाएगा एम बाई फोर इंटू आर बाई टू, इसका मास कितना है एम बाई फोर, ये डिस्टेंस कितनी है आर बाई टू, एम बाई फोर इंटू आर बाई टू, और इधर का मास मोमेंट कितना हो जाएगा बताइए थ्री एम बाई फोर इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है एम से एम कैंसिल हो गया, फोर से फोर कैंसिल हो गया जी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे
आर बाय सिक्स, मतलब यहाँ पे इस अकेले का जो सेंटर मास है ना वो यहाँ पर होगा, यहाँ से कंबाइंड सेंटर मास आर बाय सिक्स इधर, यानी सेंटर मास आर बाय सिक्स इधर शिफ्ट हो जाएगा। और ये रिजल्ट भी याद कर लो आप कि अगर एक डिस्क हो ना, डिस्क और डिस्क में से आर बाय टू रेडियस की डिस्क को काट के फेंक दिया जाए तो जो कंबाइंड सेंटर मास है वो आर बाय सिक्स शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। और उसका मैंने डेरिवेशन भी प्रॉपरली कर दिया, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको?